सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से पशुपालक भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी टाइम से वीडियो जा रही हैं रूटीन से, लेकिन पशुपालकों की डिमांड रहती थी कि हमें 10-12 किलो 15 किलो की भैंसें चाहिए, तो एक ऐसे फार्म से हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। मेरे हिसाब से 10-12 से 15 से लेके और आपकी 20 किलो दूध तक की जो पशुपालक भाई पशु खरीदना चाहते हैं, या मैं कहूँ जो शौकीनी तौर पे ना पशु खरीद के जो गाड़ियाँ भरने वाले हैं डेयरी के लिए, जिन भाइयों को पशुधन चाहिए, जिनको सिर्फ दूध के पर्पज से चाहिए ना कि ब्यूटी से मतलब है, तो हर तरह का पशु आपको यहाँ से जो देखने को मिलेगा। आज जिस पशुपालक के यहाँ पे हैं उनसे मिलवाएंगे, डिटेल से जानकारी भी लेंगे, और उससे पहले जो भी पशुपालक पहली बार वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अपना शुभ नाम क्या है जी? मोनू जोशी। गांव कौन सा है अपना? भूषण कला। तो डिस्ट्रिक्ट अपना? महेंद्रगढ़ लगता है, हरियाणा में पड़ता है गाँव, पता नहीं राजस्थान से टच है फिर। मैं तो ये सोच रहा था कि आपका राजस्थान अलवर में लगता होगा। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव है, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है महेंद्रगढ़, लगभग नारनौल नज़दीक आपके ना। तो कितने पशु रूटीन से अपने पास बिक्री वाले रहते हैं, थोड़ा तेज बोलें? 10 से 12 पशु। किस रेंज के पशु मैक्सिमम, कम से कम रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? मैक्सिमम 85-80 से लेकर सवा लाख के बीच में। जिस पशुपालक को कम रेंज के पशु चाहिए वो भाई इनसे संपर्क भी कर पाएगा, संपूर्ण डिटेल देंगे। पहले नंबर की भैंस से शुरुआत करें, कौन से ब्यांत की है? दूसरे ब्यांत की। और कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? परसों ही बच्चा दिया है। तो पहले ब्यांत में कितना दूध निकाल रखा है? 17-18। इस बार उम्मीद क्या है दूध की? 19-20 लीटर दूध। और साथ में बच्चा क्या है? कटड़ा। रेट क्या रखा है इसका? रेट देते हैं 1,17,000 रुपए रेट रखा है। टाइट से लेवे के सुबह ही खाली किए, और अभी शायद बाई भी है। थोड़ा इधर बोलना, इसको थोड़ा साइड में बोल दो, वैसे नहीं खुलवा रहे तो। अभी खाली हुई, आज बाई भी रख सकती है, या जो भी पशुपालक ले वो अपनी संतुष्टि करे। पीठ पुट्ठा काफ़ी अच्छा है, छोटे सींग की है, और साइड एक साइड से साइड दिखा रही है थोड़ी, ये अभी थोड़ी पीली सी झाड़ी है ना। अच्छा, टाइट लेवा है जो भाई देख रहे हैं, शायद शाम को खाली किए। अभी लगभग ये वीडियो हम दोपहर में कवर कर रहे हैं, और जो भाई खरीदे पशुधन, हम सिर्फ आपको अच्छा पशु दिखा रहे हैं, जो भी अपनी संतुष्टि से ले। अभी हो सकता है बाई भी हो सकती है, या मैं कहूँ थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है लेवे में, लेकिन 2 दिन बाद क्लियर हो जाएगी भैंस। अच्छे दूध की उम्मीद जो भाई बता रहे हैं। अभी कितने दूध से स्टार्ट हुई? अभी 14 खाली होने के बाद तैयार है। दो से तीन टाइम देख सकता है 14 लीटर दूध से जो खाली होने के बाद शुरुआत की है इसने। और मैं बता रहा था फिट लेवे की है, इतना बड़ा शायद सिस्टम नीचे से पूरे दूध पे होगी तब भी नहीं दिखाएगी, लेकिन दूध वाली भैंस है, टाइट लेवे की भैंसे हैं, वो अच्छा दूध जो है निकाल देती है। आगे ये वाली भाई दूसरे ब्यांत की, तो इसको दिन बच्चा, इसमें कितना दूध है अभी? इसमें 12 लीटर। इसका क्या रेट रखा है? ये दे देंगे 90,000 रुपए में। सींग थोड़ा बड़ा है, क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ इलाका है यहाँ पे, लगभग मेरे हिसाब से राजस्थान का बॉर्डर कितनी दूर है? बस 1 किलोमीटर। ये बच्चा, तो ये देखिए बच्चा जो इसका बिल्कुल कच्ची ब्याई हुई है, और 90,000 रुपए रेट रखा है। ऑर्डर बहुत ही अच्छा है इसका, थोड़ा इस साइड बोलना इसको। ये देखिए जी, बहुत ही फिट लेवे की है नीचे से, शायद सींग का माइनस है, सींग थोड़ा बड़ा है, लेकिन जैसे दूध बेचने वाले पशुपालक बार बार डिमांड कर रहे थे, वो पशु जो वीडियो में बोल रहे थे 2-2.5 लाख वाली से नीचे दिखाएं, तो आज आपको कम रेंज के पशु दिखा रहे हैं। ये वाली भैंस भाई, ये कौन से ब्यांत की है? तीसरा। इसमें कितना दूध है अभी? 18 प्लस तैयार। और रेट क्या है इसका? रेट देंगे 95,000 रुपए रेट रखा है। सींग थोड़ा खुला है, ये देखिए नीचे से थनों की बनावट काफ़ी अच्छी है, 8 दिन की ब्याई। ये कटड़ी नीचे है ना, वो ये वाली कटड़ी इसके नीचे है, सामने आपको दिखाई दे रही है। और
सींग का थोड़ा सा माइनस आप मान सकते हैं, करीब से दिखाएंगे जैसे भी पशुधन है एक क्लियर आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे, ताकि कल को कोई भी भाई लंबा ना दे कि यहाँ पे आने के बाद पशु दिखाया कुछ और मिलता कुछ और है। हाइट लेंथ लगभग मीडियम से ऊपर भी है, मीडियम भी है, लेकिन इस भैंस की अच्छी हाइट और लेंथ है। ये देखिए आगे ये वाली भाई साहब, ये 5 से 6 दिन की है, 5 से 6 दिन की। इसमें कितना दूध तैयार है अभी? 15 लीटर दूध। इसका क्या भाव है? 1,05,000 रुपये रेट लगभग आप वही बताना जो देने वाला रेट है, क्योंकि ये नहीं कि रेट में फर्क मिले फिर पशुपालक फोन भी ना करे ज्यादा रेट मान के कम रेट मान के, तो लगभग नजदीक लगता हुआ ही बताएं, कोई 2-3 हजार रुपए का थोड़ा बहुत फर्क हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं। आगे लास्ट में इधर ये वाली जोटी, ये कौन से ब्यात की? ये दूसरे ब्यात की 6 दांत। अच्छा, दूध होगा इसमें 15-16 के लमसम। कितने दिन की ब्याई हुई है? 7-8 दिन की। खोलना भाई इसको, 7-8 दिन की ब्याई हुई में 15-16 किलो दूध। इसका क्या रेट है? ₹1,15,000 रेट रखा है। सींग छोटा सींग मीडियम हाइट की, लेकिन लेवे की बात करें या थनों की बात करें वो मीडियम नहीं है, बिल्कुल खिंचा खिंचाया जो लेवा, और ₹1,15,000 जो है इस पशुधन की डिमांड रखी है। ये देखिए 6 दांत मुँह से, मीडियम जरूर है लेकिन नीचे से बहुत ही अच्छी है। सभी भैंसों से सीनियर है, इनके पूरे फार्म में अभी जितनी भी भैंसें हैं उनमें सबसे सीनियर है। ले आओ जी, ये देख सकते हैं आप बहुत ही शानदार जो ऑर्डर की क्वालिटी, थनों की क्वालिटी, क्योंकि रूटीन से पहले लगभग हिसार साइड से ऐसी वीडियो आती थी जिनमें इस रेंज के पशु दिखाते थे और पशुपालक है वो गाड़ियां भर भर के पशु लेके भी जाते थे, तो आज आपको जो पशुधन दिखा रहे हैं वो लगभग 80-85 से 1.25 लाख के बीच का। ये देखिए बहुत ही सुपर क्वालिटी का ऑर्डर है, ₹1,15,000। लास्ट में ये वाली भाई, इसका ब्यात दूध, अच्छा इसमें कितना दूध है, कितने दिन की ब्याई? 16 प्लस। इसका क्या रेट है? ₹1,07,000। अभी दूध पक्का कितना तैयार है? 16 17। ये देख सकते हैं सींग बड़े सींग है, लेकिन बाकी दूध के लिए जो डेयरी के लिए पशु लेना चाहते हैं वो भाई मैं कहूँगा यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि शौकिया पशु जो शौक के तौर पे एक आध पशु रखने वाला है वो तो आप मान सकते हैं अच्छा ही पशु खरीदने की कोशिश करेगा। बाकी ये वो पशु हैं जो दूध के पर्पज से रखे जाते हैं, और इधर इनके पास 3 भैंस और अलग से बंधी हुई हैं। थोड़ा जगह का अभाव है क्योंकि इनके जो फार्म पे कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है, सामने आप देख पा रहे हैं ये 3 भैंसें और जो इनके पास बिक्री वाली हैं। इधर से बताएं भाई इसकी, इसके बारे में बताएं। 12-13 लीटर दूध 4 महीने का, 4 महीने की प्रेग्नेंट, 12-13 लीटर दूध तैयार। 14 भी हो सकता है पर कम से कम 13 लीटर। अच्छा, तो 13 लीटर दूध बता रहे हैं, 14 भी मिल सकता है, 4 महीने की चेक पास प्रेग्नेंट है, और साथ में बच्चा क्या है? साथ में कटड़ा। क्या रेट रखा है इसका? 80,000 रुपये में अपने घर की 19-20 लीटर दूध दिया। जी, ये आपकी ताजी भैंसों से भी अच्छा ऑर्डर है इसका, नीचे से बहुत ही साफ सुथरी है, मेरे को तो लग रहा था ये ताजा बच्चा इसी का बैठा होगा। ये कटड़ा साथ में 4 महीने की चेक पास, 13 लीटर दूध, 80,000 रुपये जो डिमांड कर रहे हैं। और इधर ये वाली, ये जाएगी भी दूध। अच्छा, अभी बच्चा देने में कितना टाइम है? अभी 10-12 दिन। तो इसका पिछले ब्यात का दूध वगैरह क्या रहा है? 16 लीटर अपने घर की ये। अच्छा, इसका क्या रेट है? 1,20,000 रुपये रेट रखा है। दूसरी बार काविंग करेगी, अभी बच्चा देने में टाइम भी बाकी है, और गबन पशु जो है काफ़ी भाई खरीद भी लेते हैं। ये वाली जोटी, ये वाली जोटी कितने दिन की बेई? अच्छा, ये भी बच्चा देगी। ठीक है, कितना टाइम बाकी है? दोनों साथ के 10-12 महीने। इसका क्या रेट है, दूध वगैरह क्या रहा पिछले ब्यात? 13 लीटर दूध दिया। भाव क्या है? 95,000 रुपये। सबसे कम रेंज के हम इसी भैंस को मान सकते हैं, गबन वाली। तो एक बार अपना मोबाइल नंबर बताएं भाई। 9-8-9-8-1-33-1-33-62-3-3-04। तो अपना गांव है कौन सी जो आसपास में, जैसे ये हाईवे है ये कहाँ
कोई पशुपालक आए तो कहाँ से आएगी? इधर मान लो नजदीक लगता हुआ नारनोड़ से इधर ये कौन सा रोड पे जा रहे हैं अभी? बैरोड रोड पे, रोड जी जी। तो कोई भी भाई इनके यहाँ से पशुधन खरीदना चाहता है संपर्क कर सकता है। अच्छे अच्छे पशु भी आते हैं, लेकिन अब की बार जो भैंसे दिखा रहे हैं इनमें गवाल की भैंसे हैं जो दूध का काम करने वाले हैं, डेयरी के लिए लेते हैं। उन भाइयों के लिए जो रेट बताए हैं उसमें कोई पशुपालक संपर्क करना चाहे थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर देंगे और आप विजिट करके देख सकते हैं। सभी भाई वीडियो में जुड़े जी, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।